इन्होंने पढ़ा है, वेरी सिंपल है, पहले रिपीट हो चुका है, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन विद पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एंड पब्लिक एड। पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री जो है SST के स्कूल सब्जेक्ट हैं, बेस्ट आपका बन रहा है कॉम्बिनेशन SST, और ये पब्लिक एड भी SST का है, तो SST आप छोड़ ही नहीं सकते। SST के लिए आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो अगर आप कॉम्बिनेशन जी लेते हो। दूसरा, आपको हर हालत में लेना होगा, लैंग्वेज ही लेनी होगी, क्योंकि सोशल साइंस तो आप कर ली है। अगर आप ये आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, अगर आप MA सोशल साइंस में किसी में करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में करना चाहते हो ना, पॉलिटिकल साइंस में करना चाहते हो, तो अगर आपने टीचर बनना है, मैं पब्लिक एड की नहीं सुजेस्ट करूंगा, ये क्रॉस कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी पोस्ट निकलती हैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की, PGT की भी निकल आती है। पर मैं ये सुजेस्ट करूंगा आप SST के साथ लैंग्वेज ले लीजिए, ये आपका तब बनेगा जब आप MA कर लोगे, और साथ में SST के साथ ये सब्जेक्ट आप ले नहीं सकते, ये मिलने नहीं है आपको। SST के साथ आपको लैंग्वेज ही मिलेगी, वो लैंग्वेज जहाँ तो जनरल पंजाबी के बेस पर, ये आपको एड्रेस देखना पड़ेगा अगर पंजाबी में है या इंग्लिश में है, तो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन SST पंजाबी जहाँ बनता है जहाँ इंग्लिश बनता है, ये आपने चूज करना है कि आपका किस में नॉलेज एरिया, इंटरेस्ट एरिया, इंजॉय किसको ज़्यादा करते हो। पोस्ट लगभग इक्वली निकलती है दोनों की। तो दूसरी है कि इसमें क्या है, पंजाबी अगर आप SST पेडागोजी ये BEd में कर ली है, BEd में करने के बाद आपको इलेक्टिव पंजाबी, अगर पंजाबी रखते हो, इलेक्टिव पंजाबी का 3 साल का एडिशनल पेपर BA का देना होगा, और वो 2 सेमेस्टर में हो जाता है। मैं ये सुजेस्ट करता हूँ, आपने क्वेश्चन पूछा है कि आप BEd में एडमिशन मिलते सार ही अगर पंजाबी या इंग्लिश आप लेते हो, तो उसी जो पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज लिया है, अगर पंजाबी लिया है तो उसका ऑडिशनल अभी भर देना, पर्टिकुलर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से अगर कर रहे हो, तो आपके साथ में ही एडिशनल पेपर हो जाएगा, और आप जब तक BEd करोगे तब तक आप साथ में ही पंजाबी के लिए भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल बन जाओगे। पर वो वीडियो ज़रूर देख लेना जिसमें ये है कि एक पर्टिकुलर बात बताई गई है कि आप अगर क्लैश कर जाता है BEd का पेपर और BA का पेपर, तो यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो आप ही जिम्मेवार हो, फिर नेक्स्ट टाइम आपको देना पड़ता है, इतना रिस्क हो सकता है, उसके लिए वो वीडियो डिटेल में देख सकते हो। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह।